देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून ऋषिकेश ब्रिज जो है वो बीच में से टूट गया है भारी बारिश में। कई सड़कें बहने की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून ऋषिकेश ब्रिज टूट गया है और इस टूटने की वजह से, इसके ब्रिज टूटने की वजह से कई सड़कें जो है वो भी भारी बारिश में बह गई है। कई सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हो गई है और कई वाहन जो है वो भी बहने की खबरें सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश में सड़कें बह गई हैं, ऋषिकेश देहरादून का जो ब्रिज है वो टूट गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। सुभाष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ताजा स्थिति क्या है, ताजा अपडेट अभी क्या है? ऋषिकेश को जोड़ता है, एयरपोर्ट को जोड़ता है, तो वहाँ रेस्क्यू अभी भी जारी है, क्योंकि लोगों को तो बाहर निकाल दिया गया है जो गाड़ियों के अंदर थे, लेकिन जो गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और ना केवल प्रशासन बल्कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी प्रशासन की मदद इस काम में करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू जारी है और कुल मिला के कहा जा सकता है उस सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और पुलिस को चारों तरफ से खड़ा कर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में आता हुआ नजर ना आए। जी जी सुभाष, देखिए हर साल ये आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, बारिश होती है, लेकिन ऐसी घटनाएं जो है वो ऐसी जो व्यवस्था देखने को नहीं मिलती, आखिर इसमें गलती किसकी मानी जाए? क्यों लोगों के लिए कोई व्यवस्था को इंतजाम नहीं किए जाते हैं? बिल्कुल, आपदा हर साल बरसात के मौसम में देखने को मिलती है, लेकिन इसके लिए कोई बेहतर व्यवस्था इस प्रकार से भी नहीं की जा सकती है। ये कहना साफ नहीं होगा कि आपदा किस क्षेत्र में आती है। बरसात और पानी से कहीं ना कहीं ये आपदाएं बनती हैं, और क्योंकि जिन क्षेत्रों में नदियां बहती हैं उन क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति ज्यादा होती है, खासतौर से पहाड़ में, क्योंकि मिट्टी बहुत खिसकती है तो भूस्खलन जैसी स्थिति बनती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में जो नदी का जल स्तर बढ़ने से कहीं ना कहीं जो कटाव की स्थिति है वो बनती है, सड़कें टूटती हैं। इसको लेकर प्रशासन को और आपदा विभाग की टीम को अलर्ट तो रहना चाहिए, लेकिन जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद के लिए प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय नेता और मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं उनकी मदद करने के लिए पहुँचना चाहिए। उनको खाने की व्यवस्था करानी चाहिए, उनको रहने की व्यवस्था करानी चाहिए, उनसे कनेक्टिविटी की व्यवस्था करानी चाहिए, ताकि उन लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो जब तक सड़कें पुल नहीं खुल रहे हैं। जी जी सुभाष, देखिए इस पूरी घटना को, इस पूरे हादसे को हुए ना घंटे भर से ज्यादा समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन इस दौरान क्या कोई आला अधिकारी, क्या कोई अधिकारी वहाँ पर पहुंचा है? इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल भी यही कि क्या कोई टीम वहां पर पहुंची है रेस्क्यू के लिए? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोई भी टीम वहां पर अभी जायजा लेने के लिए पहुंची है? क्या कोई अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचा है, जायजा लेने के लिए पहुंचा है हालातों का? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया रेस्क्यू लगातार जारी है, तो एसडीआरएफ की टीम, जैसे ही एसडीआरएफ को इसकी सूचना मिली वो वहां पहुंचे, उन्होंने जो रेस्क्यू है वो शुरू कर दिया था। हालांकि रेस्क्यू कार्य पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, केवल गाड़ियों को निकालने का काम अब रह चुका है। तो कहा जा सकता है प्रशासन की तरफ से डीएम वहां पहुंचे थे, पुलिस की तरफ से सीओ वहां पहुंचे थे, और आपदा विभाग की टीम की तरफ से जो आला अधिकारी वो भी उन क्षेत्रों में पहुंचे थे। इसके साथ ही एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू कर रहा है, पुलिस लगातार रेस्क्यू कर रही है, स्थानीय लोग, तमाम जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन, इनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री खुद आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, और जैसे ही मुख्यमंत्री को उसकी जानकारी मिली, मुख्यमंत्री भी अब कुछ देर में उस क्षेत्र में निकलने जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र है, तो सत्र के दौरान मुख्यमंत्री को जैसे ही उसकी जानकारी मिली तो मुख्यमंत्री पहले शहर सारा रोड की तरफ पहुंचे, जहां मालदेवता के पास सड़क पूरी तरीके से अवरुद्ध थी, और अब मुख्यमंत्री उस क्षेत्र में पहुंचने जा रहे हैं जहां ये पुल टूटा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रदेश के मुखिया खुद उन स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, और जिन अधिकारियों की इसमें गलती मिलती है, संलिप्तता मिलती है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई अब की जाएगी। जी सुभाष, ये जो आपदा आई है प्राकृतिक आपदा है और इससे बड़ा नुकसान भी सरकार को माना जाए तो क्या लगता है कि भारी नुकसान इस दौरान अब प्रशासन को और सरकार को हुआ है इस ब्रिज टूटने से खासकर? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि आपदा जैसी स्थिति में उत्तराखंड को बहुत अधिक नुकसान होता है, खासतौर से उत्तराखंड सरकार को बरसात के समय में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये केवल इस साल की ही बात नहीं है, ये बात की जा सकती है कि लगातार हर साल उत्तराखंड में बरसात के समय में प्रदेश को बहुत नुकसान होता है। 2013 आपदा
इसकी एक जीती जागती उदाहरण है। जिस तरीके से केदारनाथ वैली पूरी तरीके से टूट गई थी और उसके पुनर्निर्माण के लिए एक बड़ा बजट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को खर्च करना पड़ा था और अभी तक पूरी तरीके से केदारनाथ धाम विकसित नहीं हुआ है। तो कहा जा सकता है कि आपदा में जो नुकसान होता है उसका बड़ा खामियाजा राज्य सरकार को और प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष आपका इस तमाम अपडेट और जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर देहरादून ऋषिकेश के जो बीच का जो पुल है वो बीच में से टूट गया है और इसी के बाद बड़ा हादसा हुआ है जहां पर लोगों को निकालने का लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, काम जो है वो जारी है। और इसी दौरान जो तमाम जो राजनीतिक जो पार्टी है जैसे कि जो सत्ता है वो पहुंच गई है, मुख्यमंत्री लगातार वहां पर बने हुए हैं और जायजा ले रहे हैं हालातों का, स्थितियों का, और साथ ही एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू करने के लिए पहुंची है। वाहनों को निकाला जा रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो देहरादून ऋषिकेश ब्रिज टूटने से बड़ा हादसा हुआ है जहां पर जो सड़कें हैं, जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों को निकालने का लगातार यहां पर काम जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री लगातार यहां पर जायजा ले रहे हैं स्थितियों का, जो हालात बने हुए हैं उनका, और साथ ही साथ यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। तो बड़ी खबर देहरादून ऋषिकेश जो ब्रिज है वो टूटा है, तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो ब्रिज है वो टूटा है, बीच में से ये जो पुल है ये क्षतिग्रस्त हो गया है।